Hello students, in last video we have done Diwali. In this video we started from here Ramzan Eid. Ramzan is the ninth month of the Islamic calendar. जो रमज़ान होता है वो इस्लामिक धर्म में नवा महीना होता है. इन इस्लाम इट इज़ द होली मंथ ऑफ फास्टिंग. इस्लाम में ये फास्ट करने का बहुत पवित्र महीना होता है. इट इज़ बिलीव दैट स्टार्टिंग ऑन द 27th नाइट ऑफ दिस मंथ द होली कुरान वॉज रिलीव्ड इन स्टेज बाय अल्लाह टू प्रॉफिट मोहम्मद. रमज़ान की जो 27वीं रात होती है उस दिन अल्लाह ने कुरान की शिक्षाएं पैगंबर मोहम्मद को सुनाई थी. थ्रूट आउट दिस मंथ, इस मंथ में मुस्लिम फास्ट फ्रॉम डाउन टू डस्क. जो मुस्लिम होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग से यानी सुबह जल्दी से शाम तक फास्ट रखते हैं. दे डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग. वो कुछ खाते पीते नहीं हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन रीडिंग द कुरान. वो अपना सारा टाइम यानी ज़्यादा समय कुरान पढ़ने में देते हैं और इन सेम प्रेयर और प्रेयर करने में स्पेंड करते हैं. द डे ऑफ ईद मार्क द एंड ऑफ दिस मंथ. और इस मंथ के लास्ट वाला जो दिन होता है उसे ईद के रूप में मनाते हैं. ऑन दिस डे पीपल वेयर न्यू क्लॉथ्स. जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो नए कपड़े पहनते हैं. दे गो टू मॉस्क एंड ऑफर प्रेयर. वो मस्जिद जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं. आफ्टर द प्रेयर के बाद दे एम्ब्रेंस ईच अदर. वो एक दूसरे के गले लगते हैं और ईद मुबारक कहते हैं. दे गिव आर्म्स टू द पुअर. और वो गरीबों को दान देते हैं. स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैयाँ इज प्रिपेयर्ड इन एवरी होम. और इस दिन हर घर में ईद वाले दिन हर घर में सेवैयाँ बनाई जाती है जो कि एक स्वीट डिश है. नाउ क्रिसमस. 25th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ क्रिसमस डे एवरी ईयर. जो 25th जो दिसंबर होता है उसे क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है हर साल. इट इज़ बिलीव्ड That Jesus Christ was born on this day. ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो जीजस क्रिस्ट थे वो उनका जन्म हुआ था. On this day, house and churches are beautifully decorated. इस दिन जो चर्च होते हैं और जो हाउस होते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है. वो उनको उनकी सजावट होती है. A small Christmas tree is set up in every home. और हर घर में जो क्रिसमस ट्री होता है वो लगाया जाता है, उसको सेट किया जाता है. इट इज़ डेकोरेटेड विथ ब्राइट पेपर्स स्टार्स एंड ग्लास बॉल्स. और उसको डेकोरेट किया जाता है. जो क्रिसमस ट्री होता है आप लोगों ने देखा होगा कि उसे किस तरह से डेकोरेट करते हैं. स्टार्स लगा के और ग्लास बॉल्स लगा के कुछ गिफ्ट्स भी लगा देते हैं. एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिसमस. गिफ्ट्स जो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स यानी गिफ्ट लेना और देना जो होता है इस क्रिसमस का बेस्ट पार्ट होता है. पीपल सेंड क्रिसमस गिफ्ट. पीपल जो लोग जो होते हैं वो क्रिसमस जो गिफ्ट होते हैं उसे सेंड करते हैं. ग्रीटिंग टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. और अपने रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स को ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं और गिफ्ट्स भेजते हैं. चिल्ड्रन बिलीव दैट सांता क्लॉस ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देम ऑन द नाइट बिफोर क्रिसमस. लोग ये विश्वास करते हैं कि उस दिन सांता क्लॉस आते हैं और अपने जो और सबके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं. नाउ कम ऑन होली. होली इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल इन नॉर्थ इंडिया. होली जो है वो इंडिया का बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. ये कलर्स का फेस्टिवल है यानी रंगों का त्यौहार है. पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एंड कलर्ड पाउडर एट ईच अदर. पीपल जो होते हैं वो कलर्ड वाटर और पाउडर एक दूसरे के ऊपर थ्रो करते हैं यानी फेंकते हैं. दे फील वेरी हैप्पी. वो बहुत ही खुश फील करते हैं. दे सिंग एंड डांस विद जॉय. और वह बहुत आनंद से गाना गाते हैं और डांस करते हैं. होली इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. होली जो होता है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है. इट फॉल्स ऑन द फुल मून डे इन मंथ ऑफ फाल्गुन. ये फाल्गुन के महीने में आता है. एट दिस टाइम द वीट एंड मिल्क क्रॉप आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. और इस दिन जो गेहूँ की और गेहूँ और मिल्क की जो क्रॉप होती है वो
हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, यानी कटाई के लिए रेडी हो जाती है। स्ट्रेन या मिल्ट मीन्स जो, यानी कि गेहूँ और जो की जो क्रॉप होती है वो रेडी हो जाती है कटाई के लिए। पीपल लाइट होली फायर ऑन नाइट बिफोर होली। पीपल जो होते हैं वो होलिका को जलाते हैं एक दिन के होली के दिन। इट इज़ शो दैट विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल, और ये जो त्यौहार है ये बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है। द नेम होली कम्स फ्रॉम होलिका, ये जो नेम है होली ये होलिका से आता है। हु वॉज अ फीमेल डेमोन, जो कि एक फीमेल डेमोन थी। शी वॉज बर्नड हरसेल्फ व्हेन शी ट्राइड टू बर्न प्रहलाद इन अ फायर, वो जल गई जब वो प्रहलाद को जलाना चाहती थी, जब उन्होंने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की तो वो उसमें खुद ही जल गई। प्रहलाद वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, और जो प्रहलाद था वो विष्णु का वो बहुत ही सच्चा भक्त था। नाउ बसंत पंचमी, बसंत पंचमी इज अ सीजनल फेस्टिवल। बसंत पंचमी जो है वो एक सीजनल फेस्टिवल है। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, ये फेब्रवरी में आता है। इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर, ये इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर, यानी ये सर्दियाँ जब ख़त्म होने वाली होती है तब आता है। एंड बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग, और वहाँ तब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। पीपल वर्शिप गॉडेस सरस्वती ऑन दिस डे, और जो लोग होते हैं वो सरस्वती जो देवी होती है, जो गॉडेस सरस्वती होती है, उसकी वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। शी इज़ द गॉडेस ऑफ लर्निंग, और वो पढ़ाई है जो हमें शिक्षा मिलती है उसकी भी गॉडेस है। बसंत पंचमी इज़ सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बसंत पंचमी अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट होती है इंडिया में। सम पीपल वेयर येलो कलर्ड क्लॉथ्स ऑन दिस डे, कुछ लोग येलो कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं इस दिन। दे इंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑल्सो, और इस दिन लोग पतंग भी उड़ाते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। नाउ रक्षाबंधन, दिस फेस्टिवल फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। इट सेलिब्रेट द प्योरिटी ऑफ ब्रदर्स रिलेशनशिप, ये जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये अगस्त में आता है। ये भाई और बहन के प्यार का त्यौहार है, उनकी पवित्रता का त्यौहार है। ऑन दिस डे एवरी सिस्टर टाइज अ सिल्किन थ्रेड अराउंड द रिस्ट ऑफ हर ब्रदर, दिस थ्रेड इज कॉल्ड राखी। इस दिन जो बहन होती है वो अपने भाई के हाथ पे एक सिल्क का थ्रेड यानी धागा बांधती है जिसे राखी बोलते हैं। एवरी सिस्टर प्रेज टू गॉड फॉर हर ब्रदर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हर बहन इस दिन अपने भाई की अच्छी हेल्थ और खुशियों की कामना करती है भगवान से। द ब्रदर ऑन हिज पार्ट गिव्स द सिस्टर सम मनी, और जो ब्रदर होता है वो राखी बंधवा के अपनी बहन को कुछ गिफ्ट्स या कुछ मनी देता है। कुछ इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस दैट द ब्रदर विल हेल्प हिज सिस्टर इन द हावर ऑफ नीड, और जब राखी बनती है तो भाई अपनी बहन से ये प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हमेशा हेल्प करेगा, उसे हमेशा बुराई से बचाएगा, हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा, उसे सपोर्ट करेगा। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी इज अ फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, जो गणेश चतुर्थी है वो महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल लास्ट फॉर 10 days, ये जो फेस्टिवल होता है ये 10 दिन का होता है। पीपल मेक ब्यूटिफुल आइडल्स ऑफ लॉर्ड गणेशा, जो पीपल होते हैं वो लॉर्ड जो गणेश जी की होती है अच्छी अच्छी मूर्तियाँ जो बनाते हैं। दे वर्शिप दीज आइडल्स फॉर 9 days, और वो इन मूर्तियों की पूजा करते हैं 9 दिन तक। ऑन द लास्ट डे द आइडल्स आर इमर्स्ड इन द रिवर और द सी, और लास्ट के दिन जो मूर्ति होती है गणेश जी की उनका विसर्जन किया जाता है नदी में या झील में। नेक्स्ट इज ओनम, ओनम इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम जो है वो केरला का मेन फेस्टिवल है। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, ये अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। इट लास्ट फॉर 4 days, ये 4 days का होता है। पीपल सिंग एंड डांस ड्यूरिंग द फेस्टिवल, लोग जो होते हैं वो डांस करते हैं और गाना गाते हैं। देयर आर बोट रेस भी होती है। मैनी पीपल टेक पार्ट इन दीज रेस, और बहुत सारे लोग इसमें पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज रेस इज़ द स्नेक बोट रेस, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो फेमस है वो है स्नेक बोट रेस।
ना पोंगल, पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. पोंगल जो है वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है. इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये जनवरी में आता है. इट लास्ट फॉर 3 days, ये 3 days का होता है. द फर्स्ट डे इज कॉल्ड भोगी पोंगल. इट इज अ डे ऑफ फास्टिंग. द सेकेंड डे इज कॉल्ड सूर्य पोंगल. पीपल ऑफर राइस एंड फ्रूट टू द सन गॉड. द थर्ड डे इज कॉल्ड द मट्टू पोंगल. पीपल वर्शिप द काऊ ऑन दिस डे. ये जो फेस्टिवल है ये 3 days का होता है. जो फर्स्ट डे होता है उसे भोगी पोंगल कहते हैं, इस दिन लोग फास्ट रखते हैं. जो सेकेंड जो डे होता है वो सूर्य पोंगल कहते हैं, इस दिन लोग राइस और फ्रूट्स जो होते हैं वो सूर्य जी को चढ़ाते हैं. और जो थर्ड डे होता है वो होता है मट्टू पोंगल, इस दिन जो लोग होते हैं वो काऊ की पूजा करते हैं. ना गुरु पर्व. गुरु पर्व इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ सिख रिलीजन टीचर. गुरु पर्व जो होता है वो सिख रिलीजन में सिख रिलीजियस टीचर के ऑनर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे गुरु कहते हैं. सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व इन ऑनर ऑफ 10 सिख गुरुज. सिख इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं. बिग प्रोसेशंस आर टेकन आउट ऑन गुरु पर्व. स्पेशल प्रेयर आर हेल्ड इन गुरुद्वारा. इस दिन गुरुद्वारा में प्रेयर होती है. ए कॉमन मील, गुरु का लंगर, इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी गुरु पर्व. और इस दिन जो कॉमन मील होता है जो हर गुरुद्वारे में होता है गुरु पर्व के दिन, वो लंगर होता है जिसमें लोगों को खाना खिलाया जाता है. गुरु नानक जयंती इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुरु पर्व. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गुरु नानक जयंती की, सबसे इम्पॉर्टेंट गुरु पर्व है. बुद्ध पूर्णिमा. इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ मे. ये मई में आता है. इट सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्ध. ये इस मंथ में ये लॉर्ड बुद्ध का जो बर्थ होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है. महावीर जयंती. इट फॉल्स इन मंथ ऑफ अप्रैल. ये अप्रैल मंथ में आती है. इट सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीरा. इस दिन लॉर्ड महावीर का, भगवान जो महावीर हैं उनका बर्थ सेलिब्रेट होता है. वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ मैनी अदर ग्रेट मैन ऑल्सो. हम बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे और भी ग्रेट मैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. ईस्टर, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ईद मिलाद एंड बैसाखी आर सम ऑफ अदर फेस्टिवल ऑफ इंडिया. इन फैक्ट द लिस्ट ऑफ इज एंडलेस. मतलब ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं इंडिया में जिनकी लिस्ट ही नहीं है. मतलब बहुत सारे त्यौहार हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इंडिया द लैंड ऑफ फेस्टिवल. इसलिए हम इंडिया को त्यौहारों की भूमि बोलते हैं. ऑन सम फेस्टिवल फेयर्स आर ऑल्सो हेल्ड. कुछ फेस्टिवल्स पे मेले भी लगते हैं. एंटरटेनिंग शो एक्टिविटीज़ आर अरेंज्ड इन दीज फेयर. और इन ये जो मेले लगते हैं इनमें एंटरटेनिंग शो भी होते हैं और एक्टिविटीज़ भी अरेंज होती हैं. चिल्ड्रन इन्जॉय राइड्स ऑन मेरी गो राउंड्स. चिल्ड्रन जो मेरी गो राउंड जो राइड होती है उसे इन्जॉय करते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिट दीज फेयर. और बहुत सारे लोग इस फेयर को देखने आते हैं, मज़े करने आते हैं, इंजॉय करने आते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है 2.06 वो यहाँ फिनिश है. आपको इस चैप्टर की वर्कशीट सेंड कर दी जाएगी. आपको इस वर्कशीट का वर्क अपनी नोटबुक में करना है. बाय स्टूडेंट्स.